दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। तो ये आप देख सकते हैं कि जो गोदी मीडिया के लोग और कुछ लोग जिस तरीके से आतंकी बता रहे हैं किसानों को, आप देखिए इनको, क्या ये आपको किसी जगह से आपको आतंकी लगते हैं? किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है आप देख सकते हैं। बाबा जी कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से, यहाँ जिस अमृतसर से। पंजाब से अमृतसर से आए हैं आप? अच्छा, किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? किसान आंदोलन में आए हैं। किसान आंदोलन में आए हैं आप? तो ये आपकी सारी तैयारी, आपका कंबल वगैरह सब लेकर आए हैं आप? कल आए हैं। अच्छा, अकेले आए हैं आप? इस हालत में अकेले आए, कैसे आए हैं आप? बस से आए हैं। अच्छा, बस से आप आए हैं? बॉर्डर तो फिर टेम्पू देते आए। अच्छा, फिर ऐसे चलकर आए बॉर्डर के वहाँ से आप? बिल्कुल ऐसे अकेले, बिल्कुल आपके साथ में कोई 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 नहीं है? कोई नहीं, कल आए हूँ। अकेले आए हैं आप? पाजी, जिस तरीके से कुछ लोग बीजेपी के, आई टी सेल के कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आंदोलन जो है इसमें आतंकियों का आंदोलन है, ये पाकिस्तानियों का आंदोलन है, खालिस्तानियों का आंदोलन है, आपको देखकर क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? क्या उनके दिमाग में आनी चाहिए बात? क्या वो लोग कहते हैं एस बने थे, गलत लैन कर बने तौर पर लोग जड़ी गल असली है। बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि भाई आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं, चाइना के समर्थक हैं, इन्हें भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन। अं तो किसान अंदोलन च आए हैं, अपना हक लैन आए हैं, कम फतेह करना आए हैं, सारे देश बदले आए हूँ मैं, एक पंजाब या हरियाणा बदले, कल बदले नहीं आए अं, समझी गल, सारे ना देश द्रोह हो रहा, मोदी कर रहा है, ये देश द्रोही है, इनके पर केस बना के देश द्रोही अंदर देना चाहिए हमनू, ये तीन चार जो बंदे रले देश का परचा होना चाहिए है हमनू, ये द्रोह कर रहा लोगों हर सारिया इंडिया ने कर रहा है। लेकिन ये तो कह रहा है कि मैं, कि मेरे आने के बाद किसानों की आय भी बढ़ गई है, दो दो हज़ार रुपये भी अकाउंट में डाले हैं दो मरतबा किसानों के, कल भी जो है वो 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में दो दो हज़ार रुपये डाले। ये दो दो हज़ार दे के ही मतलब ये लोगों ने ध्रुव कर लगा, लोगों को खुलियाँ पा गए थोड़ी थोड़िया बढ़िया आ गए, ये अपने चुवंती लाती है उन लोगों ने। आप कुछ कहेंगे इस पर? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो काले कानून तीन बनाए गए ने बिल्कुल गलत है, असं इन्हों मुढ़ तो जाने के खारिज करते हैं, तो इन्हों इतों रद्द करा के फिर वापस जावे, तो इन्हों चित होगा भी जहाँ दो चार दिन, दस दिन, भी दिन देख के अक के लोग चल जाएंगे, ये तो मन के बच्चों भुलेखा कढ़ देना। अच्छा भाऊ जी, आप जो आए हैं एक महीने से यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ऐसी हालत में आए हैं, आपकी तैयारी क्या, आपको क्या लगता है कितने तक आपको यहाँ बैठना पड़ेगा? इतने पर 6 महीने लग गए, साल लग गए, अपन बैठेंगे आप? अपन कोई टेंशन नहीं, मगली टेंशन नहीं है कोई मेरे को, बहुत बढ़िया अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखा आपने जिस तरीके से कुछ लोग, जो लोग खासकर जो ये कहते हैं, जो गोदी मीडिया के पत्रकार और बीजेपी के नेता भी कुछ ऐसे हैं, जब किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और ये सरकार का, बीजेपी का हमेशा से ये रहता है आई टी सेल का, कि जब भी कोई अपने अधिकार के लिए लड़ता है तो उसको फौरन पाकिस्तानी करार दे दिया जाता है, आतंकी करार दे दिया जाता है। इसीलिए हमने ये, आप देख सकते हैं इन बाबा को, कि आपको इनकी हालत देख कर आपको लगता है कि ये आतंकी हैं, ये सवाल जो है वो मोदी के उन मंत्रियों से भी पूछा जाना चाहिए जो इस आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस आंदोलन को लेकर जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।